हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो ये एक और एपिसोड होने वाला है लेट्स मैक्स TS10 का। तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं एक से दो दिन में इवेंट्स कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन मैं इवेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने मेन अकाउंट के कारण बिजी था। तो हमारे पास कल दोपहर 1 बजे तक का टाइम है, तो अभी मैं 2 अटैक्स करूँगा, 2 से 3 अटैक्स करूँगा, देखते हैं जितना हो पाता है। और मैं ट्राई करूँगा कि कल तक इवेंट कंप्लीट हो जाए, तो तब तक के लिए एक बेस ढूंढते हैं अच्छा लूट वाला। सो हमें एक फर्स्ट बेस में भी बहुत बहुत अच्छा एलिक्सिर और गोल्ड मिला है, तो अटैक इसी पे करूँगा मैं, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक विजर्ड, किंग और क्वीन, स्टोन स्लैमर यहाँ से, उसके बाद यहाँ से माइनर्स, यहाँ से वेलकायरीज और उसके पीछे बॉलर्स। आई होप वेलकायरीज अंदर ही जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, वेलकायरीज अंदर आ गए। एक रेज, एक रेज यहाँ पे, फिर यहाँ पे वन मोर रेज एंड वन हील। ऑल माय गॉब्लिंस, वन आर्चर और तो जैसा कि मैंने कहा था मुझे 3 स्टार नहीं चाहिए, तो मैं बैक कर लेता हूँ अटैक। तो हमें फर्स्ट अटैक में अच्छा गोल्ड एलिक्सिर मिल चुका है, डार्क भी डिसेंट था और लूट बोनस भी थोड़ा सा मिल चुका है। तो आदमी फिर से मैं ट्रेन पे लगा देता हूँ। तो मुझे लगभग 10-11 मिनट लगेगा मेरी आर्मी ट्रेनों के CC मिलने में, तो मैं 11 मिनट में वापस आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक और मेरी आर्मी ट्रेन हो गई, मुझे CC में ट्रूफ मिल गए हैं। और जब तक मैंने वीडियो पॉज किया था, तब तक मैंने देखा मेरे पास अभी ट्रेनिंग पोशन 4 है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेनिंग पोशन नहीं मिल रहा है। तो इवेंट कंप्लीट करने के लिए शायद मुझे एक ट्रेनिंग पोशन यूज़ करना पड़ेगा, तो आई विल यूज़ दिस ट्रेनिंग पोशन। फिर भी आर्मी ट्रेन में मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो होप फॉर द बेस्ट और चलते हैं कोई बेस ढूंढने के लिए। यहाँ पे गोल्ड बहुत अच्छा है, एलिक्सिर ठीक है, लेकिन डार्क एलिक्सिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड का अमाउंट डिसेंट है, तो क्या मुझे अटैक करना चाहिए? सो लेट्स सर्च वन और टू बेसिस मोर। तो लास्ट बेस के कंपैरेटिवली यहाँ पे गोल्ड तो थोड़ा कम है, लेकिन एलिक्सिर और डार्क ज़्यादा है, तो शायद मुझे इस बेस पे अटैक करना चाहिए। और मुझे इस बेस के लिए स्टोन स्लैमर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही अटैक करूँगा। फर्स्ट आई हैव टू डिस्ट्रॉय दिस विद बॉम्ब टावर विथ वन वेलकायरी एंड वन विजर्ड। उसके बाद फनल के लिए किंग, क्वीन, वॉल तोड़ना भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन बैडमिंग की कैबिलिटी से वॉल भी इजीली टूट गया। अब माइनर्स, वेलकायरी, बोलर्स, सीसी
डेथ, सन गॉब्लिंस, वन रेज, डिस्ट्रॉय हो गया। अब देखते हैं लेफ्ट पार्ट, हमारे ट्रूप्स बहुत कम बचे तो देखते हैं क्या होता है। रेज हियर, एक हील वो किए वेलकाइली तुरंत निकाल ले। अब यहाँ से ऑल माय गॉड भी आर्चर क्वीन की एबिलिटी और तो लूट पूरा मिल चुका है तो मैं बैक कर लेता हूँ। तो इसमें हमें डिसेंट गोल्ड एलिक्सर और डार्क एलिक्सर मिल गया डिसेंट सा। तो नेक्स्ट आर्मी ट्रेन पे लगा देते हैं। मेरे पास एक फ्रीज ज़्यादा हो गया, उसे माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे फ्रीज तो 40 मिनट्स और तब तक मुझे सीसी मिल जाएंगे, मेरे ट्रूप रेडी हो जाएंगे। तो मैं 40 मिनट्स से वापस आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी थर्ड आर्मी ट्रेन हो चुकी है। तो मुझे सीसी में भी इलेक्ट्रो मिल चुका है, मेरे हीरो हिल चुके हैं। तो चलिए अटैक पे चलते हैं। तो गोल्ड एलिक्सर और डार्क तीनों यहाँ पे अच्छा है, लेकिन ये बेस मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा मिनिमम 2 स्टार्स और लूट तो नहीं ले पाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ एक डेड बेस मिला है, तो यहाँ पे गोल्ड एलिक्सर कम है लेकिन डार्क ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं आगे कैसा बेस मिलता है। मुझे TS-12 कैसे मिल गया। फ्रेंड्स, मुझे ये बेस बहुत अच्छा लग रहा है अटैक करने के लिए। और इसमें कंपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसमें स्टोन स्लैमर की ज़रूरत पड़ सकती है वॉल ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे सब जगह बाहर में कुछ कुछ ट्रूप्स है, तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने गलत जगह छूटी है, तो लेट्स सी क्या होता है। मुझसे गलती से स्टोन स्लैमर छूट गया, पहले मुझे बार्ड ब्रेकिंग छोड़ना था। और फनल उतना अच्छा से यहाँ पे नहीं हो रहा है। रेज हियर, वन हील, और अभी यहाँ पर वेलकायरी गलत जगह चली गई। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे वन मोर रेज, मे बी इलेक्ट्रो को थोड़ा देर के लिए बचा ली हिल्स पे, देखते हैं क्या होता है। इसके पीछे से मैं बोलर सप्लाई कर देता हूँ और तो पॉज कर दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। तो इलेक्ट्रोजैगन जितना देर तक सरवाइव करता है हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो लूट ऑलमोस्ट पूरा मिल चुका है,
आई विल डिप्लॉय ऑल माई गॉबलिंस आर्चर और मैन बैटल कर देता हूँ। तो इस बेस का भी लूट हमें टोटल मिल चुका है। तो मैं अपनी आर्मी फिर से ट्रेन पे लगा देता हूँ और हमने मिशंस भी कर लिए। मुझे एवरेजली 5 अटैक और करना है, तो 5 अटैक्स मोर। और मेरे पास गोल्ड एलिक्सिर अभी डिसेंट सा हो गया है, और तो कलेक्ट कर लेते हैं पहले सीसी से, ट्रेजरी से कलेक्ट कर लेते हैं 59 लैक्स। ओके, अगर मेरे पास 14,000 गोल्ड और होता तो अच्छा। हाँ, तो हमारे पास 60 लैक हो चुका है। मैं अपने इन्फर्नो को लगा देता हूँ लेवल 2 पे। हमारे पास अब गोल्ड बहुत कम बचा है, तो देखते हैं अगर हम कुछ लगा सकते हैं तो। तो मुझे लगता तो नहीं है कि हम कुछ खरीद सकते हैं। तो मैं आज कल मैं कल दोपहर 1 बजे तक 5 अटैक्स और करने वाला हूँ। तब तक मुझे जितना गोल्ड एलिक्सिर मिलता है उतना अच्छा है। एलिक्सिर से मैं ये आर्मी कैंप लगा दूँगा थोड़ा सा और मिलेगा तो मुझे 25 लाख एलिक्सिर और चाहिए। डार्क से तो मैं विच लगाने वाला हूँ यहाँ पर। और बस यही था आज का एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड